द गुड मॉर्निंग एवरी मैन, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और मॉर्निंग हो गई है, आज ट्रिप से आके थक गए थे थोड़ा सा, कल रेस्ट किया है, नींद पूरी करी है थोड़ी, तो अब जाके थोड़ा रिलीफ मिला है। पहले तो थकान बहुत हो रही थी। और सर आप सभी लोग कैसे हैं, मैं पूछना भूल गया, सब ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा सा टायर्डनेस तो हो ही जाती है, ठीक हो जाएगी वो भी, और घर पर आने का थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप में मिल जाता है। तो अब रेडी वगैरह हो गया हूँ मैं ऑफिस जाने के लिए, थोड़ा सा लेट हूँ, ज़्यादा लेट भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत लेट हूँ, आधा पौना घंटा लेट हूँ मैं, आधा घंटा लेट हूँ आज, क्योंकि नींद थोड़ी लेट खुली थी, थोड़ी वीकनेस सी लग रही थी, टायर्डनेस सी लग रही थी। तो अब जाएंगे ऑफिस, ऑफिस जाके देखूँगा क्या क्या काम पेंडिंग है, क्या क्या काम रह गया, क्या क्या काम हो गया था मेरे पीछे से, और देखता हूँ आज किसी क्लाइंट के पास जाना है या नहीं जाना, कहीं निकलना है निकलना, देखते हैं जैसे भी हो। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुँचता हूँ, लेट हूँ, ऑफिस में पहुँच के कहीं निकल के फिर बातचीत करते हैं आप भाई लोगों से। हेलो भाइयों, मैं ऑफिस चला गया था ब्रेकफास्ट वगैरह करके, अब फ्री हो गया, थोड़ा सा काम था, पेंडिंग काम था, वो सब करके अब मैं आया हूँ घर पर। अब पहले करूँगा मैं लंच, लंच करना है मुझे, लंच करके देखता हूँ। अभी फिलहाल तो कहीं जा रहा है, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया हुआ है आज का, मौसम ऐसा लग रहा है ऐसे ही बारिश आएगी, लेकिन अभी फिलहाल तो बारिश आई नहीं है, तो सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं निकलूँ। बट एक्चुअल में क्या है, बाइक मेरी ब्रदर लेके गए हुए हैं, मैं वेट करूँ, क्या पता आ जाए, कब तक आए पता नहीं, तो बाइक लेके निकलेंगे कहीं, मौसम बढ़िया है, एक दो काम भी है वो भी करने हैं, तो टाइम से निकल जाऊँगा, वो सब काम निपटाने हैं। अभी देखते हैं, चलते हैं, पहले करता हूँ मैं डिनर, सॉरी पहले करता हूँ मैं लंच, लंच करके देखता हूँ कहाँ जाऊँगा, क्योंकि बाइक पे डिपेंड है, पता नहीं वो बाइक कभी मेरी और कहीं ना ले जाए, बिकॉज मे बी उनकी बाइक शायद कोई इश्यूज़ हैं कुछ बाइक में, तो देखते हैं आते हैं जब, पहले लंच कर लेते हैं, लंच करके फिर देखता हूँ आते नहीं आते तब तक। भैया लंच कर लिया, लंच करके मैं जा रहा हूँ ऑफिस, अभी तक ब्रदर तो आए नहीं है मेरे, तो मैं वेट कर रहा था, मैंने सोचा आ जाए तो फिर बाइक पे कहीं निकलूँ, बट अभी आए नहीं है, देखता हूँ उनसे बात करूँगा कितनी देर तक आते हैं, फिर मैं निकलूँगा कहीं ना कहीं, एक दो काम भी है, क्योंकि वो काम मेरे इस वजह से रुके हुए हैं कि आए वो, तो मैं बाइक लेके जाऊँ, पैदल जा नहीं सकता। और आज मैं कार वॉश कराने की सोच रहा था, या तो देखता हूँ पहले कार वॉश करवाया था, तब तक वो नहीं आते, फिर जो काम है वो काम निपटा लूँगा, देखता हूँ जैसे भी होता है, पहले ऑफिस चलता हूँ, ऑफिस में कोई आया हुआ है उनसे बातचीत करता हूँ, जो काम है वो काम से फ्री होता हूँ, फिर देखता हूँ प्लान करता हूँ, ये सोच रहा हूँ मैं, या तो कार ले जाता हूँ, कार से पहले वॉशिंग वगैरह करवा के कार को, उसके बाद देखता हूँ भैया आ जाते हैं तो फिर बाइक लेके निकलेंगे कहीं, जो काम है बाइक वाले वो बाइक से निपटाएंगे। चलता हूँ पहले फ़िलहाल मैं ऑफिस, फिर बातचीत करते कहीं निकलता हूँ। तो भाई मैं हूँ ऑफिस में, और लंच करके आया था, थोड़ा सा काम था और सब करके फ्री हो गया हूँ, इवनिंग हो गई है, थोड़ी सी देर में बस ऑफिस से निकलूँगा, क्लाइंट्स वगैरह आए हुए थे तो मैं कहीं गया ही नहीं अभी तक, मैं सोचा ऑफिस से निकलूँ तो दो चार बातचीत करके निकल गए, और फिर देखता हूँ अब कहीं जाऊँगा। मैं सोचा था कार से, कार को वॉश कराने के लिए, कि कार बहुत गंदी हो रही, कल बहुत गंदी हो गई थी, वहाँ भी नहीं जा पाया क्योंकि कोई क्लाइंट्स वगैरह आ गए थे, तो मुश्किल हो गया था निकलना। फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि अब कार तो वॉश होगी नहीं, अब तो थोड़ा टाइम हो गया और मैं इतना टाइम भी नहीं कार वॉश करा जाऊँ। अभी देखता हूँ बाइक मेरी एक्चुअली ब्रदर के पास है, अभी तक पता नहीं लेके आए नहीं ले आए हैं, तो मैं फिर कहीं ना कहीं राइडिंग पे जाऊँ, एक दो काम थे वो भी आज नहीं हो पाएंगे, जब बाइक ही नहीं तो कैसे करूँ वो काम भी। और कल मुझे जाना है कहीं, कल मैं मॉर्निंग निकल जाऊँगा, वहाँ पे भी जाना है मुझे, टाइम से पहुँचना है, वहाँ पर भी काम है कुछ मुझे, तो कल वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल तो आज का डिस्कशन करें, कल वाले में कल का डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों ने वीडियो देखी ली होगी मेरी दोनों, जो मैं ट्रिप पर गया था, तो आप ज़रा सजेस्ट करें कैसी लगी, और किसी को अगर वहाँ कहीं भी जाना हो तो मुझे ज़रूर पूछ सकता है, मैं बताऊँगा, प्रॉपर सबको डिटेल मिलेगी, कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, सब डिटेल मिलेगी, वैसे भी आजकल डिटेल सबके पास है, लेकिन ये दो जगह ऐसे है आजकल, मतलब ये लगा लो इस जगह, ये दो जगह ऐसे यहाँ पर मोस्टली लोग जा ही रहे हैं, तो मान्यता के ऊपर अकॉर्डिंग है, एक बार श्याम बाबा के दरबार में जाके देखो, आपको अंदर ही अंदर, अंदर से ही अपने आप ही कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, एक अंदर की एनर्जी आएगी मंदिर में दर्शन करते ही, मेरी गारंटी है, आप कभी भी ट्राई कर लेना जाकर एक बार। और अभी मैं देखता हूँ, पहुँचता हूँ घर, 10-15 मिनट में निकल रहा हूँ, एक दो छोटे मोटे काम निपटा के घर निकल रहा हूँ, देखता हूँ बाइक आई नहीं आई, राइडिंग पे चलते हैं आज, दो दिन से तीन दिन से राइडिंग ही नहीं हुई है कुछ भी, आज राइडिंग तो जरूर करेंगे चाहे कभी भी जाएँ, और आज तो ब्लॉग में आना ही आना है बाइकिंग का, तो अभी निकलूँगा, पहले पहुँचता हूँ घर, बाइक का वेट करता हूँ, फिर बाइक लेकर निकलते हैं कहीं, कहीं ना कहीं चलना है आज, चलेंगे भाई। अभी मैं जा रहा हूँ जरा, घर आ गया था, घर आने के बाद थोड़ी देर बाद मैं निकल रहा हूँ चाय वाय पी के, अब बच्चों को ले आ रहा हूँ, बच्चों के साथ जाना है एक्चुअली में, कुछ सरप्राइज़ है, चलते जरा देखते हैं, वहाँ पहुँच के बताता हूँ। अभी निकलता हूँ बाइक पे, हेलमेट वगैरह सब मेरे पास है, बच्चों का आज साथ लिया, बच्चों के साथ राइडिंग हो जाएगी थोड़ी सी, उनका भी मन था,
चलते हैं उनको लेके और देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। मैं जरा निकला हूँ बच्चों के साथ, अभी पहुँचे हैं, देखना फिर कहाँ गया हूँ मैं। एक्चुअली मैं कुछ परचेजिंग करनी है तो उसी के रिगार्डिंग मैं निकला हूँ। बच्चे करते हैं हम भी साथ चलेंगे तो बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए। और मामला ऐसा है, कुछ गैजेट्स वगैरह का कुछ मामला है तो इस वजह से बच्चों का ज़्यादा मन था कि हाँ मैं भी चलना है, मैं चलना है। तो अब देख के आते हैं ज़रा क्या आइटम है कैसी है। वो तो अभी आप लोग आगे देखोगे आपको पता चल गया है कहाँ गए हैं। तो अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पहुँचने के बाद सबको डिस्क्लोज करेंगे, सबको दिखाएंगे। बस ये है कि जहाँ जा रहा हूँ वो शॉप बंद ना मिले, वो शॉप बंद मिलेगी तो थोड़ी सी फिर दिक्कत हो जाएगी। अब फिर बंद हो गए तो फिर कुछ नहीं होगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन तो यही है कि कल दोबारा आएंगे और देखेंगे फिर। तो मेरे भतीजे और भतीजी दोनों साथ में जा रहे हैं आज, वो कह रहे हैं कि हम भी चलेंगे, तो उनको भी राइडिंग पे ले आया मैं। और राइडिंग पे निकल गए हैं तो अब दो चार आइटम देखेंगे, उसमें से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके फिर उसको ले आएंगे। और अभी भी रश तो है रोड पर, पता नहीं क्यों है, आज सैटरडे है इसमें से भी हो सकता है, और पता नहीं रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो रश तो रश ही है। आस पास ही जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, तो वहाँ पहुँच जाएंगे और आइटम समझ आ जाए बस। बाकी आज का दिन देखो ऐसे किया, बाइक मेरे हाथ में अब आई है, सुबह से बाइक मेरे हाथ में थी नहीं, तो मैं बिना बाइक की था मतलब पैदल ही वॉक से ही चल रहा था, कहीं गया ही नहीं। पहली बात तो मैं ऑफिस में पूरा दिन निकल गया मेरा, ऑफिस में काम में और क्लाइंट्स वगैरह आए थे तो उसकी गाड़ी से मैं जा ही नहीं पाया कहीं, तो इसलिए अब निकला हूँ। तो ब्लॉगिंग भी हो रही है और जो काम करना है वो भी कर लेंगे, तो किसी क्लाइंट को भी जाना था एक्चुअली में, तो वहाँ भी मैं जाना हो नहीं पाया क्योंकि मेरे तो बाइक थी नहीं, बिना बाइक पर कैसे आता। और बाइक में कोई इशू आ गया है, मेजर इशू आ गया है, तो उसको ठीक कराना है। वो मैकेनिक है जिससे कराते हैं हमेशा, वो मैकेनिक है नहीं, दिल्ली से बाहर है, तो कहीं और से कराने का उनका मन नहीं है। अब देखता हूँ क्या पता कलवल में वो आ ही जाए, तो कलवल में उससे करा ही लेंगे ठीक। कोई मंडे को मुझे भी चाहिए बाइक अपनी, फिर मंडे को मेरे पास बाइक नहीं होगी तो दिक्कत होगी। अब जहाँ आए वो शॉप तो बंद है, अब क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है अपने पास। ऑप्शन तो फिलहाल मेरे को लगता नहीं कुछ है, फिर भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि लेट हो गया एक्चुअली में बाइक की वजह से। बाइक का वेट कर रहा था, बाइक ही नहीं आई, अब बाइक आई है तो जिस काम से है वो काम होना मुश्किल लग रहा है मेरे को। आज शॉप ही बंद हो गई, आगे चलता हूँ कोई और शॉप देखते हैं, नहीं तो फिर ऑप्शन क्या है मैं सोच रहा हूँ माइंड में थोड़ा सा ध्यान करूँ कि क्या ऑप्शन हो सकता है, कहाँ जा सकता हूँ मैं, जो चीज़ मुझे देखनी है। अब देखता हूँ यहाँ पर एक शॉप और है, वहाँ जा कर देखते हैं, वहाँ नहीं हुआ फिर ऑप्शन थोड़ा सा ढूँढना मुश्किल है, देखता हूँ, नहीं तो फिर कल तो आना ही पड़ेगा, कल दोबारा आएंगे। आज हो गया काम, मैं तो सोचा था आज हो जाता काम तो ज़्यादा बेटर रहता, कम से कम एक चीज़ क्लियर हो जाता, एक साइड हो जाता कि हमें ये चीज़ लेना है, ये करना है, सिलेक्शन हो जाती है। ये वाली शॉप भी बंद है, अप्रॉक्सीमेट बंद कर ही दी है, लाइट वाइट बंद कर रहे हैं हम, तो फिर लाइट बंद कर रहे थे फिर कहाँ से कुछ मिलेगा। वहाँ की भी शॉप बंद हो गई है, अब क्या ऑप्शन है अपने पास, कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, कहीं और निकलता हूँ क्या पता कुछ दिख जाए, चांस तो कम लग रहा है क्योंकि यही दो शॉप है जहाँ से मैं थोड़ा सा अपना आइटम वैरायटी दिख जाती है, तो ये दोनों ही शॉप बंद है। एक ऑप्शन मुझे याद आ रहा है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना वहाँ चला जाए, अब वो भी पता नहीं बंद हो तो फिर कहाँ चला जाए वो तभी देखेंगे। होप्स हो कि वो कम से कम ऑप्शन खुला हुआ हो, कम से कम एक ऑप्शन तो हमारे सामने रहे तो हम अपना ओपिनियन अपनी आइटम देख सकते हैं ज़रा थोड़ा सा, तो आइटम को पता लग जाएगा तो फिर तो है कि कल डन कर देंगे उसको, या हो सकता है आज डन कर दें। अभी चल रहा हूँ आगे, ये मार्केट आ गई, ज़रा खाने पीने की आइटम यहाँ सारी मिलती है। ये रेस्टोरेंट है बंगला रेस्टोरेंट और ये केक की शॉप है दो तीन, यहाँ भी मैं एक बार आया हूँ ब्लॉक में, आपने देखा हो तो केक के लिए एक बार मैं आया था, चाप केक स्नैक्स जो चाहिए आइटम सब मिलती है, चाइनीज़ से लेके नॉर्थ इंडियन तक हर आइटम मिलती है, साउथ इंडियन वाला सब। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी मिल जाती है, सारी वैरायटी खाने पीने का मतलब एक तरह से मार्केट होगा खाने पीने की, यहाँ पर सब एक साथ है। अभी देखो सेल लगा रखी है,
बाय वन गेट वन फ्री ऑन मॉकटेल, खाने के साथ साथ ऑप्शन भी आ गए, खाने के साथ साथ ऑप्शन ऑफर्स आ गए हैं, ऑफर्स भी लो, खाना भी खाओ, आइटम भी चेक करो। अब यहाँ पे एक और है, वो देखता हूँ अगर वो खुली हो। अब ये शॉप खुली तो है, उससे पता नहीं कुछ है भी नहीं, उसका कुछ नहीं है, उससे एक्सेसरीज है, ये भी टाइम पास कर रहा। कहाँ ऑप्शन मिल सकता है मुझे, मुझे खुद नहीं पता। इस टाइम मैं कंफ्यूजन में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं हो गया हूँ कंफ्यूज। चलो ग्रीन होने वाली है अपनी, अपनी होगी किसकी होगी पता नहीं, किसकी ग्रीन हुई है, किसी की ग्रीन नहीं, या तो सबकी रेड है तो किसकी ग्रीन है, ये अपनी ग्रीन है। ये तो ग्रीन लाइट कोई सी जली नहीं है, सारी रेड हो गई, सारी रेड कैसे हो जाएंगी पता नहीं, रेड लाइट वालों का भी क्या करते हैं, उनको रेड लाइट चलानी नहीं आती, सारी रेड लाइट कर दी जाओ बन जाएगा। अब जा रहा हूँ, देखो एक शॉप और है अपने एरिया में, वहाँ जाके देखते हैं क्या पता खुली मिल जाए, खुली मिल जाएगी तो देख लेंगे कुछ आइटम, नहीं तो फिर तो क्या कर सकते हैं, तो कल पे पेंडिंग डालना पड़ेगा, कल ही जा सकते हैं, तो आज ही जा सकते। मैं सोच तो रहा था थोड़ा जल्दी निकलने वाले, लेकिन बाइक नहीं तो फिर मेरे को ऑप्शन मिला पैदल से, क्योंकि कहाँ आ पाता पैदल आने का कोई ऑप्शन नहीं था, कार निकाल ली और कार निकालने जाओ सब तो जा जब कार में एक्चुअली थोड़ा दूर पड़ेगा तो दिक्कत होती है, लेकिन अब कोई नहीं, ऑरेंज हो गई है मैं निकाल दूँगा, जो ऑरेंज भी कच्चा होगा मैं भी आगे आगे चल रही हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ वहाँ कोई ऑप्शन मिल जाए तो मजा आ जाए, बस जो मिस करता नहीं आएगा तो मैं कभी करेंगे। और आज से गया नहीं, नॉर्मल स्पीड चला रहा हूँ, बच्चों के साथ स्पीड नॉर्मल ही रखती है भाइयों, मैं तो बच्चों को मना कर रहा था घर चलते हैं, अब तो ऑप्शन था नहीं कोई, वो कह रहा नहीं नहीं अभी आज चलना है, अभी चलना है, तो फिर मैंने सोचा एक लास्ट ऑप्शन है वहाँ देख लेते हैं, ट्राई कर लेता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, तो नहीं तो फिर कल ही करना पड़ेगा, कल ही जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा घूमने ठीक नहीं है, बहुत दूर दूर जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं उसका, आप बस कुछ ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, तो फिर पेंडिंग छोड़ देंगे, फिर और यही ऑप्शन है, कभी कभी करना पड़ जाता है बच्चों के लिए, क्या करें मना करो फिर वो ये है खराब होता है। ये भाई साहब अगर मैं आज ही रहूँगा तो आज कुछ ज़्यादा स्पीड में चलानी है, सेंटोस की पावर आज ही दिखानी है सारी, अब तब से ब्रेक दबा रखी है, ऐसे तो गाड़ी चलाते लोग ब्रेक दबाए दबाए चलाए जा रहे हैं भाई साहब, इतने कहीं हमारे ब्रेक शूज खराब हो गए, फिलहाल है रेड लाइट, वो भाई साहब नहीं रुकेंगे, सेंटर वाले उनको जल्दी है घर पर बुला रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे बार बार, चलो आप भी काटो उधर सवार लहसुन काट लो थोड़ा सा, मैंने प्रॉपर लहसुन काटी नहीं, काट लेने में मैं भी उधर निकल जाता, कोई बात नहीं, अब रेड लाइट ग्रीन हो ही गई है, वहाँ पर वीडियो चल रही है, अंकल जी गाने सुन रहे हैं, वीडियो सॉन्ग सुन रहे हैं, अंकल भजन सुनने के टाइम में अच्छे आप वीडियो सॉन्ग सुन रहे हो, भजन सुनो, सबके अपने ऑप्शन है, कल आज जवान है अपनी चॉइस है, सेंटर वाले भाई साहब निकल नहीं पाए आगे, रुक गए इसलिए चुपचाप, क्या हुआ रुक गए, बड़ी जल्दी हो रही थी उस टाइम तो ऐसे ही होता है, क्रेटा को देखो कितना उठवा रखा है पीछे से, एलोए वगैरह लगवा कर बढ़िया कर रखा है, ये देखो अरे भाई साहब ऐसा सरप्राइज दे रहे थे बीच में आके फिर घुट जाते हैं, दूसरे बंदे को बुढ़वा था खुद भी उड़ते हैं, ये बिना हेलमेट के चला रहे हीरो, हेलमेट लगा लिया करो थोड़ी सेफ्टी अपनी भी रहेगी, क्या चाहते हो, रंग बिरंगे इंडिकेटर लगवा रखे हैं, आगे के कलर अलग है पीछे के कलर अलग है, आगे इंडिकेटर है लाल पीछे है नीले, तो खुद हो रहे हैं पीले, अलग ही स्मैल है सबका, हेलमेट हो गई है मन नहीं कर रहा रोक लिया, रोक लेते हैं
वहाँ से ग्रीन होने के बाद निकला, आगे वाली भी ग्रीन मिल गई है फिलहाल, ये भी लाइट होने वाली है अगर ये भाई साहब निकाल लेंगे तो। चलो ग्रीन में ही निकल गए, इधर रुकने पड़ जाती, पीछे रेड लाइट पे सही टाइम पे निकल गए हम ग्रीन होकर। अभी थोड़ा सा डिस्टेंस है इसलिए पे रूट में मेरे को लग रहा है, उम्मीद है अभी आगे ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि ये कट ऐसा यहाँ पे ट्रैफिक मिलता ही मिलता है, क्योंकि खाने पीने की जगह है वहाँ पर, तो लोग गाड़ी लगा के रखते हैं, रश हो जाता है फिर गाड़ी लगाने के, तो इसलिए उम्मीद है ट्रैफिक मिलेगा, देखते हैं मिलता है नहीं, नहीं कम है नहीं है ना क्यों ना हमारा है। ये रोड क्रॉस करने वाले ना कितने से रोड उगाएंगे खुद भी उड़ते हैं और बीच में नाच रहे हैं रोड पर, बहुत रिस्की हो जाता है कभी कभी ऐसे रोड पर नहीं घूमना, अंकल जी को देखो उनको भी हेलमेट से कोई जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही हीरो हैं सब, कोई हेलमेट नहीं कुछ नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाओ ज़रूर लगाओ, दूसरे की सेफ्टी नहीं है इसमें अपनी सेफ्टी है, तो ड्राइविंग तरीके से करो तो उसमें दूसरे की भी सेफ्टी अपनी भी सेफ्टी है, कोई बात नहीं, जब इनको गवर्नमेंट और पुलिस वाले से जाना है तो हमको ना समझाने वाला करेंगे वही जो इनका मन करेगा। ये डाइविंग माफिया डिटेलिंग माफिया आजकल बहुत चल रहा है, कार वगैरह रैप कराने के लिए डिटेलिंग माफिया बहुत चल रहा है आजकल, जाओ डिटेलिंग माफिया से कार रैप कराओ, डिजाइनमेंट वो कार के अलग अलग बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं कभी गया नहीं हूँ मुझे लेकिन पता है, देखेंगे कभी मन करेगा तो पहुँच जाएंगे माफिया में करवा लेंगे कार पर थोड़ा सा रैप, पूरा रैप तो पता नहीं करवाऊँगा करवाऊँगा, थोड़ा बहुत रैप कभी दे दूँगा या कोई डिज़ाइन बनवा लेंगे बढ़िया सा लुक चेंज करा देंगे न्यू लुक, ठीक बस पड़ गई इतनी ज़्यादा मैंने लुक देखी नहीं है अलग अलग, तो मैं सोचा हूँ कुछ मैं डिफरेंट करवाऊँ, वो तब की तब देखेंगे, अभी फ़िलहाल मैं जिस काम से आया वो काम करूँ, वो काम हो जाए तो कितनी दूर आए हैं फिर ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मन ख़राब हो जाता है, तो मैं ये सोच के आया हूँ कि जा रहा हूँ तो काम करके ही आऊँ। ये भाई साहब नहीं रुकेंगे, दूसरे को दुकान है हम नहीं रुकेंगे, यहाँ भी मेरे को उम्मीद कम ही लग रही है क्योंकि लेट हो गया, उम्मीद कम है लेकिन उम्मीद बंद हो रही है शॉप्स, देखते हैं चांस तो नहीं है आज यहाँ पर, पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग, पीछे घूमते रहते हैं रोड पे गाड़ी लगा लेते हैं, खाना तो साइड में खा लो रोड पे खड़े होकर खाओगे यहीं पे लेट के खाओ, शॉप्स तो मुश्किलें खुली हैं, ये बिना बात मुझ रुके ना बैगने वाले भाई साहब, अरे बहुत जगह है निकालो लेट के निकाल लोगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, शॉप्स तो सारी क्लोज हो गई हैं, मार्केट में आया हूँ मैं, कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट में घूमने का फालतू, अब तो मुझे लगता है घर ही निकलना पड़ेगा, घर निकला जाए, सब शॉप्स बंद है, कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट में फालतू घूमने का, तो अब घर की तरफ ही चलते हैं, इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इतनी दूर आया और टाइम पास हो गया, कहीं भी कोई भी शॉप खुली नहीं दिख रही, अब घर की तरफ ही निकलते हैं। ये देखो मेरे पीछे तक बाइक चली है पूरी 411 किलोमीटर, मतलब मैं बाहर गया हुआ था तो भाई के हाथ में थी बाइक, मेरी भाई चला रहे थे मेरे, तो जब मैं गया था तो अप्रोक्सीमेट 150 किलोमीटर के आसपास चली गई शायद, जो मुझे याद है 150 से अंदर ही थी, तो भाई ने आप चला दी इतनी बढ़िया, 3 दिन मतलब उन्होंने पूरी बाइक मेरी ही यूज़ करी है, 3 दिन बाइक चली है, चलो 100 किलोमीटर बढ़ा इसका 411, मैं चलाता हूँ तो बहुत लिमिटेड ही चलती है, इतने ज़्यादा किलोमीटर नहीं बढ़ता, यहाँ खट्टा है कुछ ज़्यादा ही बड़ा, तो मैं कहाँ आ गया, मैं गलत आ गया, मेरे को जाना कहीं और, मैं कहीं और आ गया बातों में, मेरे को याद ही नहीं रहा किस साइड जाना मुझे, हाँ तो मैं इस साइड आ गया हूँ, यहाँ पे भी एक्चुअली में एक मार्केट है, ये मार्केट भी है एक तरीके से, ये देखो रेस्टोरेंट वगैरह ये सब हैं, तो अब यहाँ देखता हूँ अगर कुछ मिल जाता ऑप्शन मुझे, तो उम्मीद है उम्मीद पे जाया मैं
कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ ज़रूर मिल जाएगा कुछ, उम्मीद है। यहाँ पे एक्चुअली में रेस्टोरेंट्स वगैरह ज़्यादा हैं, शॉप का तो मुझे कम ही लग रहा है ऑप्शन, तो बस मैं तो एक बार व्यू के लिए आया था कि कहीं कुछ दिख जाए, कुछ मिल जाए। आ जाओ आ जाओ, बीच में आ जाओ, कोई बात नहीं। ये देखो उसको कुछ पाया था अभी बेचारा, स्कूटी वाला ठुक जाता, ऐसे लोग होते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे खाली खाने पीने का ऑप्शन है, खाओ पियो। अंकल को पता नहीं कहाँ जाना है बिना इंडिकेटर के। क्या चाह रहे हो बताओ ज़रा थोड़ा सा मेरे को, मुड़ना है नहीं मुड़ना है, मैं मुड़ूँ क्या करूँ बता दो एक बार। क्या कर रहे हो भाई साहब, एडवोकेट हो के ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब मैं घर की तरफ वापस निकल रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं है बाहर घूमने का। ग्रीन हो रही है, हो गई ग्रीन, जब चलते हैं घर। कोई फ़ायदा नहीं है बाहर घूमने का, अब सारी शॉप बंद है, देख ली तुमने, अब चले घर। बच्चों ने बोल दिया अब घर चलो, क्योंकि वो भी कह रहे हैं बंद है तो क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए अब वापस घर की तरफ ही ले रहा हूँ मैं, घर चलते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं और डिनर करते हैं। तो भाई अब मैं वापसी आ रहा हूँ, रास्ता मोस्टली क्रॉस कर लिया है और पहुँचता हूँ घर। पहले बच्चों को दिलाऊँगा आइसक्रीम, या आगे देख लो टक्सन जा रही है, टक्सन का फेसलिफ्ट मॉडल है, ये नया मॉडल है, ढंग से देख लो लाइटिंग वगैरह अच्छी। फ्रंट व्यू देखता हूँ, फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ, टेंशन लगा हुआ सिर्फ पीछे में, ऐसा मुझे लग रहा है। अब एक बार फ्रंट व्यू कैसे दिखाऊँगा, हाँ ये नई वाली है फेसलिफ्ट, नई आई थी टक्सन, वो है जिसको लोग मतलब मैंने वो सोशल मीडिया पर देखा था, लोग उसको न्यू वरना के नाम से भी कर रहे थे, लेकिन ये टक्सन थी। और यहाँ पे फिलहाल के दिन में ये भाई साहब आ गए, ये उड़ पाते हैं, कुछ भी उड़ते हैं। अब आगे की साइड से इसके लिए मैं वहीं से टन लेता था, आगे की साइड आ रहा हूँ, बच्चों का आइसक्रीम दिलाऊँगा, पहले आइसक्रीम दिला के फिर चलेंगे घर। ये फालतू ना मजा आ जा रहा है, हम सब बजाएंगे आगे, बजाए जा रहे बजाए जा रहे। आइसक्रीम वाले के पास पहुँचने वाला हूँ, बस उनको आइसक्रीम दिलाया था, कौन सी आइसक्रीम नहीं है यहाँ पे, एक रेस्टोरेंट खुल गया, पता भी नहीं चला कब खुला। किससे लेनी है, किससे, एवर से, कौन सी, मेन्यू का देखना पता पता नहीं है, कौन सी लेनी है। अरे तो उतरेंगे तभी तो, उतरेंगे, उतर के देंगे यहाँ पे, अपनी चॉइस की आइसक्रीम लेनी है बच्चों, जाओ देखो। इधर आओ, यहाँ से आओ, मुझे चाहिए चोको ब्लॉक, तुझे यहाँ के बताओ। बच्चे देख रहे हैं आइसक्रीम चॉइस कर रहे हैं कौन सी चाहिए, दोनों खड़े हैं उधर, देखते हैं कौन सी लेंगे, आज तो मन मर्जी की लेंगे, क्योंकि आज छूट मिल गई है, मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा होते तो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, सिलेक्शन में बहुत टाइम लग रहा है लगता है। अब आ जाओ इधर, कौन कौन सी लाए हो, कौन सी है, क्या नाम है, जम्बो क्रंची चॉकलेट, और तेरी, ये जम्बो ग्लासेस चॉकलेट। 50 bucks हुए, 50 bucks पकड़ाओ अंकल को, थैंक यू बोल के आओ, बोलो थैंक यू बोल के आओ। चलो बच्चों ने ले लिया अपनी चॉइस की आइसक्रीम, अब बैठेंगे घर पे आके आइसक्रीम खाएंगे। इनको पता था इनका काम नहीं हुआ तो एक काम तो हो ही गया, इनका आइसक्रीम तो मिल ही गई, कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए बस, वो काम नहीं हुआ तो ये काम हो गया, वो काम कल हो जाएगा, उसकी कमीशन ले ली इन्होंने मुझसे। अब मैं निकलता हूँ घर, आ गया हूँ घर पर, बच्चों को छोड़ के छोटा सा एक काम था आसपास का ही, वो करने चला गया था, वो करके अब मैं आ गया हूँ, और अब चलूँगा अपने रूम में, अपने रूम में सुबह में आऊँगा, पहले जाऊँगा ऊपर और करूँगा डिनर, डिनर वगैरह कर फिर रेस्ट करूँगा और वीडियो को एडिट करूँगा, व्लॉग एडिट करना है, व्लॉग एडिट करके मॉर्निंग करेंगे अपलोड। आज वाला व्लॉग आया था थोड़ा सा लेट, कल से व्लॉग टाइम पर आएंगे सारे, हो जाता क्योंकि थोड़ी थकान थी आज, थोड़ा सा लेट हो गया, रात को एडिट कर ही नहीं पाया, नींद आ गई मेरे को, तो मॉर्निंग एडिट करा, एडिट करके फिर अपलोड किया, तो टाइम लग गया, मैं लेट हो गया आज,
और बाइक पीछे खड़ी है। अब ब्लॉग को एडिट करके रेस्ट करूँगा, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखना, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करना।